गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RDH सर। जैसा कि आज आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में सोनेलियू ऐप में कौन बनेगा करोड़पति प्ले अलॉन्ग, मतलब कि KBC प्ले अलॉन्ग खुला हुआ है और हम आज ये जो डेली क्विज़ है ये डेली क्विज़ खेलने वाले हैं। आज के 10 सवालों के 10 सही जवाब देकर हम 1000 अंक पाने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और डेली क्विज चालू करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरा लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। मेरे लीडर बोर्ड की परिस्थिति पे ये दिख रहा होगा आपको कि अभी मेरे अंक है टोटल कुल 33,05,080 अंक है मेरे, और मेरे जो रैंक है 4,403 है। तो चालू करते हैं हमारा डेली क्विज। इसलिए आप देख सकते हैं डेली क्विज शुरू हो रहा है, थोड़ा समय लेगा, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल है, पर्यटन से संबंधित विज्ञापनों में अक्सर प्रयोग किए जाने वाले इस संस्कृत वाक्यांश को पूरा करें। विकल्प है अतिथि, फिलिंग द ब्लैंक, भव, रिक्त, यहाँ पे देवो भव आएगा, ये मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा 100 अंक मिल चुके हैं, पहले सवाल का जवाब सही है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरा सवाल है, किस अभिनेता की बेटी ने मई 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसका जवाब ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। चंकी पांडे की बेटी अंकिता पांडे इसका सही जवाब, मतलब अंकिता पांडे ने वो किरदार निभाया तो चंकी पांडे सही जवाब है। इनमें से कौन सा देश, तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक देशों के संघ का सदस्य नहीं है। इसका जवाब है इंडोनेशिया, क्योंकि यहाँ पे आई का मतलब इंडिया है तो इंडोनेशिया तो बिल्कुल नहीं है। देखिए आप को दिख रहे होंगे 3 सवालों के 300 अंक मिल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए थे, बाद में हमने वीडियो डालना बंद कर दिया था, उसके पीछे का रीजन इस सवाल के बाद बताता हूँ मैं। तो अगला सवाल है, मई 2019 में ओडिशा के तट पर आए चक्रवात को क्या नाम दिया गया था। इसका जवाब है फोनी, सही में फैनी नाम था उसका जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं बता रहा था कि क्यों वीडियो नहीं डाल पाया, क्यों वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन से आज अभी खेल रहा हूँ। मेरा जो फ़ोन है एक्चुअली, उस फ़ोन में मेरे KBC सोनेली वेब पर ये जो जवाब है सही एंड जवाब देने के बावजूद, जवाब लॉक तो होता है पर सही जवाब है कि गलत जवाब है जवाब मिलता ही नहीं, आगे के सवाल ही नहीं खुलते करके। तो IPL 2019 में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैंप किसने जीता, इसका जवाब है डेविड वार्नर। तो अभी मुझे दूसरे फ़ोन में ये KBC का ये जो है खेल रहा हूँ। अगला सवाल है हमारा, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के इनमें से किस शहर में स्थित है, इसका जवाब है सासाराम। आज विकल्प देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगला सवाल है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा मुख्य रूप से मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है, इसकी विकल्प देखना पड़ेगा, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसका सही जवाब है परिसंचरण तंत्र। अगला सवाल मैं आपको पहले और एक बार बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो भले ही मैं इस वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, मुझे मालूम है वीडियो अपलोड होने के बाद आपको उसका फ़ायदा कम मिलेगा, पर फिर भी इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 2018 की एक फिल्म में किस प्रगतिशील लेखक व नाटककार की भूमिका निभाई है, जिनके नाम पर इस फिल्म का शीर्षक भी है, इसका जवाब मंटो है। और मैं आपको बता दूँ इसी ये सवाल पर KBC में सवाल भी आ चुका है, जहाँ तक 1 करोड़ का सवाल जिन्होंने खेला शायद उन्हीं को आया है या दूसरे कंटेस्टेंट को आया होगा, पर सवाल आया था। भारत के अलावा एशियाई खेलों के इतिहास में वो कौन सा एकमात्र देश है जिसने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है, इसका जवाब है ईरान। तो आपको दिख रहा होगा 9 सवालों के 900 अंक मिल चुके हैं और अंतिम प्रश्न बाकी है। अंतिम सवाल है, कबीर के एक प्रसिद्ध दोहे की इस पंक्ति को पूरा करें। सवाल है, वो दोहा है, दोहा दोहे की पंक्ति है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तो पेड़ खजूर सही जवाब होगा। और आप देखो दिख रहा होगा ये यहाँ पे साइड में आपको 1000 अंक दिख रहे होंगे, तो 1000 अंक हमको मिल चुके हैं। और बस यही बताना था, हम आपको आज से हर दिन कुछ ना कुछ एक वीडियो डालेंगे। मुझे मालूम है कि इस वीडियो का फ़ायदा आपको शायद कम मिलेगा क्योंकि ये वीडियो लेट आ रही है, उसके पीछे रीज़न मैं आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं वर्किंग पर्सन हूँ और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करता, तो उस वजह से मैं वहाँ पे वीडियो सही समय पर या जल्दी नहीं डाल पाता, तो आने के बाद मैं पहले वीडियो डालता हूँ। इसमें कुछ दिक्कतें थी तो मैं और थोड़ा आधा घंटा लेट हुआ है,
और फिर भी अभी भी दो घंटे बाकी है, दो घंटे में आप मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ उसके बाद में एक घंटा 55 मिनट बाकी है, तो 6:05 हुई है, तो वीडियो अपलोड होते तक भले ही एक घंटा भी क्यों बाकी ना रहे, क्योंकि लॉक करने के लिए बस 10 मिनट भी काफ़ी है जैसे आप देख सकते हैं, तो उतने समय में आराम से आप सही जवाब पा सकते हैं अगर आपने अभी भी लॉक नहीं किया है तो। और मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल सही जवाब है, आपके सामने मैंने बताया, तो ये लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन भी दबाएं। फिलहाल तो हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे, पर आगे हम बता रहना चाहते हैं कि रेगुलरली वीडियो हम डालने वाले हैं, उसमें सब्जेक्ट अलग अलग होंगे पर हम रेगुलर वीडियो डालते जाएंगे, तो वह देखने के लिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।